हे गाइस, आज के इस वीडियो में मेरे पास सैमसंग M21 है जो कि लेटेस्ट है। एंड्रॉयड 9-10 के अपडेट्स अगर आपको क्रैक करने हैं, मतलब FRP रिमूव करना है, तो किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो देखो, ये M21 है, लेटेस्ट मॉडल्स है। इसमें जो है वो FRP लॉक लगा है और बहुत ही आसानी से आप जो है वो FRP को रिमूव कर सकते हो। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। स्टेप बाय स्टेप को प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करोगे तो आप आसानी से जो है वो कर पाओगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपने फ़ोन को जो है वो वाईफाई के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से फटाफट अपने जो है वाईफाई का पासवर्ड पुट कर रहा हूँ और उसके बाद जो है आप भी अपने फ़ोन को जो है वो वाईफाई से कनेक्ट कीजिए। बेसिकली सैमसंग के 9-10 जो एंड्रॉयड आई है उसमें जो है बाईपास करने का सोल्यूशन है ये। आसानी से आप इस ट्रिक को फॉलो करके जो है वो कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अब यहाँ पे हमने इसे कनेक्ट कर लिया, इसके बाद हमें सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो किस तरीके से करना है आप वीडियो में बने रहो। और गाइज, अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे डेली एक ना एक वीडियोज़ जो है वो FRP या फ्लैशिंग के इंफॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ, अपडेट्स के बारे में आपको बताते रहता हूँ, जिससे आप बहुत कुछ जो है वो समझ पाओगे। तो यहाँ पे जो है ना आप, और गाइज अगर आपको किसी भी तरीके की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम की ID है। मैं जिन वीडियोस पे काम करता हूँ या जिन टूल्स के थ्रू काम करता हूँ, अगर आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो करते हो तो आपको वो सीधी फाइल मिल जाएगी, मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। टेलीग्राम के थ्रू आप अगर हमें जो है वहाँ पर फॉलो अप कर लेते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, तो वहाँ के जो है ना आपको आसानी से, मतलब बिना किसी झंझट के, वेबसाइट पे नहीं जाना है, कहीं कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आप वहाँ पे जाओ और क्लिक करोगे, आपको फ़ाइल जो मेन होम पे पेज पे आओगे और उसके बाद वहाँ पे आपको जो है ना फ़ाइल की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। मैं ऑलमोस्ट सारी फाइलें जो है बस शेयर करते रहता हूँ, उसके अलावा क्रैक भी शेयर करते रहता हूँ, तो वो सब मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं सी पोर्ट की USB ढूँढ रहा था जो कि मुझे मिल चुकी है। तो अब ये करते हैं कनेक्ट फ़ोन को। कैसे कनेक्ट करना है वो देखिए। पहले सिस्टम पे जो है आपको सैमसंग एक टूल्स है जो मैं अभी, इस टूल्स की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी अगर आप टेलीग्राम पे फॉलो करते हो। तो मैंने वहाँ पे इसे बताया है कि किस तरीके से यूज़ करना है। तो इजी सैमसंग FRP टूल है ये, आप यहाँ पर देख पाओगे 2020 version 1। ठीक है, ये टूल्स अगर आपको चाहिए तो आपको आसानी से हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, उसके बाद भी मैं मिल जाएगा। जब आप इस टूल्स के थ्रू फ़ोन को कनेक्ट करोगे तो फ़ोन ऑटोमेटिक जो है वो ड्रावर लेगा। यहाँ पे तीनों ड्रावर जो है वो लेना ज़रूरी है, अगर तीनों ड्रावर नहीं लेता है तो आपका फ़ोन कहीं ना कहीं नहीं होगा। इसीलिए आप ये ध्यान दीजिए, ड्रावर ऑटोमेटिक ले लेता है, अगर नहीं लेता है तो ड्रावर की फ़ाइल जो है वो मैंने इस फाइल के साथ जो इजी सैमसंग FRP टूल है इसके साथ ही दी है। तो यहाँ पे आपको बाईपास FRP पे क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी IMEI और उसके साथ में जो है फ़ोन पे आप देखिए यहाँ पे व्यू का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप ओपन करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो है वो क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्रोम ब्राउज़र हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यूट्यूब सर्च करना है। यूट्यूब पे सर्च करने के बाद आपको हम कहाँ जाना है, आपको हमारे चैनल पे जाना है, GSM आकाश टैग सर्च करना है आपको। जब आप GSM आकाश टैग सर्च करोगे, देखो सॉरी मैं आकाश टैग सर्च कर रहा हूँ, GSM आकाश टैग सर्च करना है आपको यहाँ पर। और GSM आकाश टैग सर्च करने के बाद जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। खैर यहाँ पे मैं दूसरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा रहा हूँ, लेकिन वही सेम लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ इस तरीके का लिंक मिलेगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ओपन सैमसंग गैलेक्सी स्टोर, इस पर क्लिक करना। आप चाहो तो वीवो ये 91i के वीडियो में भी जा सकते हो, वहाँ पर भी वो लिंक अवेलेबल है। जैसे ये ओपन करोगे आप तो यहाँ पे देखो आपको इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सैमसंग ऐप स्टोर जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अपडेट पे आप क्लिक कर लीजिए। अपडेट पे क्लिक करने के बाद जो है ये गैलेक्सी स्टोर जो है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा ये अपडेट हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड होने देते हैं। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना है गाइज। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हो तो आपको पूरी, मतलब फिर से स्टार्टिंग से करना होगा, इसीलिए जो है वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो।
मैं लंबी वीडियो बताता हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करने की कोशिश होती है मेरी, तो इस बात के लिए एक वीडियो पे लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप यहाँ तक देख लियो तो मुझे डैम श्योर है कि आप सक्सेस हो जाओगे। तो उस बेस पे प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, ठीक है। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आई नहीं है गाइज, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ एंड्रॉयड 9-10 के जो है वो बाईपास सॉल्यूशन आसानी से आप कर सकते हो। देखो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने फ़ोन को कनेक्ट किया और उसके बाद जो है अब जो है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे फ़ोन पे कनेक्ट करने के बाद फिर से वही चीज़ें हम करेंगे। देखो फिर से अब जब आप वही चीज़ करोगे जो हमने बाईपास किया है, वही चीज़ें आप करोगे, ऑटोमेटिक ड्रॉवर लेगा आपका ये, इस बार ड्रॉवर मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद फिर से व्यू ऑप्शन आएगा, देखो व्यू ऑप्शन आया, अब आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे यूट्यूब ओपन होने के बाद फिर से आपको हमें जो है वीडियोज़ में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको GSM आकाश टैग, ठीक है, और आपको यही वीडियो में आना है गाइस, जो वीडियो आप देख रहे हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है, वहाँ पे मैंने पुरानी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, लेकिन आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आना है। अगर आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आओगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा चैनल है GSM आकाश टैग, सब्सक्राइब कर लो गाइस, मैं काफ़ी हेल्प कर रहा हूँ आपकी वीडियोज़ जो है वो देख के। तो यहाँ पे हमने वीवो 91i में यूज़ किया है उस लिंक को, लेकिन आपको वो लिंक जो है इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप अभी देखना, यहाँ पे आप जब करोगे तो ये अपडेट करोगे और उसके बाद जो है ना ये इस तरीके से शो ऑफ होगा। देखो अब यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और उसके बाद ये ऐप स्टोर ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे यहाँ तक करने के बाद आपको लिखना है ये, देखो ध्यान से देखो गाइस जो लिख रहा हूँ मैं, गूगल, और उसके बाद जो है ना इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है, इसीलिए आप ये एकदम ध्यान से देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर लिखूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी प्ले स्टोर नहीं, सर्विस, गूगल प्ले सर्विस लिखना है मुझे यहाँ पर, और उसके बाद हेडर। तो ये जब आप लिखोगे ना तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, ठीक है, उसमें से जो सही वाला है हिडन सेटिंग्स, ये वाला मतलब गूगल प्ले सर्विस हिडन सेटिंग, ये आपको सर्च करना है। उसके बाद सर्च करने के बाद आपको कौन सा लेना है, ये देखो ये सब बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन हमें कौन सा लेना है, ये बीच वाला, ठीक है, गूगल प्ले सर्विस हिडन, ये वाला जो है सेम लोगो देख लो आप, यही वाला आपको इस पर ही क्लिक करना है। अगर आप दूसरे वाले पे क्लिक करोगे तो काम जो है वो नहीं होगा, इसीलिए आप एकदम ध्यान से देख लो कि ये वाले पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये वाले को क्लिक करके हम जो है इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद देखो यहाँ पे ही मेन काम है गाइस, तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, क्योंकि अमूमन लोग मिस्टेक यहीं पे कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आ रहा है, प्ले सर्विस हिडन सेटिंग्स, तो यही सेम ऐप, रेटिंग भी देख लो 4.0 की रेटिंग है, तो यही सेम एप्लीकेशन आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे जाना है और इस तरीके से आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे देखो प्ले स्टोर्स, ये वाले पे क्लिक करना है आपको नीचे से दूसरा, और यहाँ पे आपको पिन ऑप्शन या पैटर्न ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं पिन कर रहा हूँ 1234, ठीक है, आप भी यही कीजिए, या आपकी मर्ज़ी जो चाहो आप वो पैटर्न भी कर सकते हो। ये एकदम स्टेप को सेम टू सेम फॉलो करना है, यस पे क्लिक करना, ओके गॉट इट पे क्लिक करना है। अब ये ऐड आएगा, दो ऐड आएगा, ये इस बात का ध्यान रखिए, आप बैक जाओगे फिर एक बार ऐड आएगा, ठीक है। तो ये ऐड आने के बाद जो है ना, ये ऐड आने के बाद आपका काम जो है वो सक्सेसफुली हो गया है, दो ऐड्स आ जाते हैं इसमें, और उसके बाद जो है काम जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अभी देखो हम बैक जाते हैं, पूरा बैक जाएंगे, अब हमारा फ़ोन जो है ना वही ऑप्शंस मांगेगा। गाइस देखो यही है हमारा चैनल आकाश, तो इस पे GSM आकाश को ही सब्सक्राइब करना है आपको। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करना, और चैनल से रिलेटेड कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो, देखो अभी पासवर्ड डालो आप 1234 खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप FRP को बाईपास कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करके। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ कमेंट करना, चैनल से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको कोई, देखो स्किप का ऑप्शन पहले नहीं होता लेकिन अभी ये
हो गया है। तो इस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करना है, और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी न्यू है, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको सैमसंग एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 10 जो भी है वो सब में वर्क करता है। अगर आपको यहाँ पे यूट्यूब इंस्टॉल का ऑप्शन आता है या यूट्यूब अपडेट का ऑप्शन आता है तो ऐसे फ़ोन में ये वर्क नहीं करता वो, उसके ऊपर खैर मैं आगे वीडियोस आपको बना के बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आपको ये ही समझना है कि अगर एंड्रॉयड 9 का अपडेट है या एंड्रॉयड 10 का अपडेट है तो कुछ इस तरीके से सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। जो ऐप की लिंक है वो टेलीग्राम पे मिलेगी गाइज, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, अगर आप टेलीग्राम पे आते हो मुझे फॉलो अप करोगे तभी आपको वो लिंक जो है वो समझ में आएगी। अगर कुछ भी आपको जानना हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट करो नीचे वीडियो में, मैं आपकी हेल्प जो है वो ज़रूर कर दूंगा। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम पे फॉलो अप करना पड़ेगा। और ये वीडियो आपको ओवरऑल कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी के आइकॉन को भी दबाओ ताकि मेरी आने वाली वीडियोस में डेली एक ना एक वीडियोस जो है वो आप लोग के लिए FRP बाईपास या फ्लैशिंग या और आने वाले टाइम में हम कुछ और भी करेंगे इस चैनल के साथ। OCA के ऊपर मेरी वीडियो आएगी, OCA शीट के ऊपर। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि OCA शीट के ऊपर मुझे वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। वो कमेंट अगर ज़्यादा लोग करेंगे कि हाँ पंच होल में OCA को यूज़ करके कैसे किया जाता है, तो वो सब चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैं आपको शेयर करूँगा जो आपको काम करने में काफ़ी हेल्प देगी। छोटी छोटी बातों से अपडेट करूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहता हूँ, ठीक है? तो एडिंग फिनिक्स टच पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी जो है आपका ये फ़ोन, देखो आप ध्यान से देखो कि ये मतलब FRP बाईपास हो चुका है अब ये, लेकिन आगे फ़ोन को सेटअप करने का प्रोसीजर है। क्योंकि मैं अगर आपको ऑन नहीं दिखाऊँगा तो कमेंट आएगा कि आकाश ऑन करके तो दिखाया ही नहीं, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ तक वीडियो को बोल रहा हूँ कि देखो। जब आप यहाँ तक देखोगे पूरा प्रोसीजर फॉलो, देखो वीडियो लंबी है, मैं चाहता तो इसे फास्ट फॉरवर्ड भी कर देता लेकिन किसी किसी के समझ में नहीं आता गाइस। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें करनी पड़ती है कि वीडियो किस तरीके का बनाएं कि सबकी समझ में आए, स्टेप बाय स्टेप चले, इसीलिए मैं वीडियो लेंथी बनाता हूँ। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, देखो अभी ये पूरा सेटअप प्रोसीजर है फ़ोन का। हम यहाँ पे सेटअप अब मैं फिनिश करूँगा तो फ़ोन जो है वो ऑन हो जाएगा। देखो पूरी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डन करेंगे हम, ठीक है? अब इस तरीके से पूरा सेटअप प्रोसीजर, और ये देखिए फ़ोन अभी ये पूरा ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आपको फॉलो अप करना है, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू।